कल है आप लोगों का उर्दू का पेपर। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनके फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में 90+ नंबर थे या 80+ नंबर थे, लेकिन उर्दू के अंदर 40 नंबर लेकर आए, 50 नंबर लेकर आए। तो आप लोग ये गलती नहीं करना। अब कैसे जो है वो उर्दू का पेपर देना है, कैसे अच्छे नंबर लेने, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ, कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, इसको फॉलो करके जाना, इंशाल्लाह उर्दू के पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। एमडी कैट और ई कैट के ग्रुप्स स्टार्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हमारे जो है वो व्हाट्सएप पे आए हुए हैं। टीम जो है वो परेशान हो गई कि सर इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, एक वीडियो बना दें ताकि बच्चों को गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, अच्छा, उर्दू का गेस्ट पेपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लेना, लेकिन मेरी बात पूरी सुनते जाओ ताकि उर्दू में अच्छे नंबर भी तो आएँ। देखो, याद रखना, अगर आपके पास कोई किताब है, ठीक है, कोई मैथ की, कोई फिज़िक्स की किताब है, तो वो किताब आपको जब तक फ़ायदा नहीं देगी जब तक आपके पास अच्छा टीचर नहीं होगा। मैंने आपको गेस्ट पेपर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। मेरी बात तो सुनो, ज़रा बात तो समझो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले उर्दू का पेपर है, उर्दू पे बात कर दें, एमटी गेट और ई गेट को रहने दो। ठीक है, अब देखो भाई, उर्दू में आपने करना क्या है, उर्दू के पेपर में जो गेस्ट पेपर में चीज़ें दी हुई हैं सब सॉल्व कर लो। उर्दू का जो पास्ट पेपर है वो बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, अल्लामा इकबाल और इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन आली, ये सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। तबसरे जो हैं आपके, तबसरे करना, ठीक है। और मुझे बच्चे बोल रहे थे कि उर्दू में ऐसे करें या तबसरा, तो उर्दू में तबसरा करना, ऐसे नहीं करना, तबसरे की तरफ जाना। तबसरे करोगे नंबर ज़रूर अच्छे मिलेंगे। उर्दू में एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, राइटिंग बहुत स्लो करते हैं, मतलब स्पीड इतनी स्लो होती है कि पेपर पूरा नहीं हो पाता। और इसमें देखो, आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो मैथ, इंग्लिश लिखना आसान है, इंग्लिश में केमिस्ट्री, इंग्लिश में फिज़िक्स, इंग्लिश में और इस्लामिक भी इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जस्ट एक उर्दू में पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ हो ही नहीं पाती है। तो पेपर से 2 घंटा पहले, ठीक है, पेपर से 2 घंटा पहले या रात में खुश खती कर लेना, ठीक है, राइटिंग करना खूब, 1 या 2 घंटा कम से कम राइटिंग करते रहना। आप देखोगे कि आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। स्टॉपवॉच लगाना, स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करना और राइटिंग करते रहना। 1 पेज 15 मिनट में लिखो, 1 पेज 10 मिनट में, 1 पेज 20 मिनट में, ठीक है, राइटिंग करके जाना 1 या 2 घंटे, और जो भी पढ़ा है उसी को लिखना। देख देख के राइटिंग नहीं करना, बगैर देखे जल्दी जल्दी लिखना, यानी जो भी याद कर रखा है उसको लिखते रहना। इंशाल्लाह स्पीड अच्छी हो जाएगी और कल पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये भी देख लो भाई, कल 29 जून को जो है वो ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास हमने आज लेनी थी, 1 महीने पहले बोल दिया था बच्चों को कि आज क्लास होगी, 28 जून को क्लास होगी, फ्राइडे को। लेकिन मसला ये बना, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर प्लीज़ एक दिन दे दें, क्योंकि कल आखिरी पेपर है, पेपर देते ही हम जो है वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो बस एक दिन दे दें। तो हमने कहा कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि एक दिन की बात है, वैसे तो हम अपना शेड्यूल आगे पीछे नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने पर एक दिन आपको दे रहे हैं। कल ग्रुप क्लोज़ कर देंगे, उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन कब आएगी ये पता नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक हम लोग बच्चों को ऐड करते हैं। तो कल जो है वो हम रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर देंगे, कल आखिरी दिन है आपके पास ग्रुप में ऐड होने का। ठीक है, एमडी गेट और ई गेट का ग्रुप है। अच्छा, जो डिस्काउंट था वो भी लगा रहेगा, 4000 इसकी फ़ीस रहेगी पूरे साल के लिए। और रजिस्ट्रेशन आपने करानी कैसे है मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है मैं ये आपको बता देता हूँ। 8 बजे तक कल आपके पास टाइम है, 8 बजे तक आप कभी भी पे कर देना। 9 बजे जो है वो, 9:30 बजे जो है वो हमारी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी जूम पर। ठीक है, उसके बाद हम किसी को ऐड नहीं करेंगे, 8 बजे लास्ट है, क्योंकि फिर अगर आप 9 बजे भी आते हो तो फिर लेट हो चुका होगा, हम ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम ऐड करते हैं ना आप लोगों को, तो यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले आप लोग फ़ीस देते हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं, फिर आपको ऐड करते हैं, फिर आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक बच्चे पर काफ़ी टाइम लग रहा होता है। तो इसलिए बार बार ऐड करना, रजिस्ट्रेशन चालू रखना पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम एक पूरा प्रोसेस से काम कर रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, आपको ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ई कैट के हों या एमडी कैट के हों, उनकी आपको एमसीक्यूज बुक मिलेगी जो कि हमने खुद लिखी है। इसके अंदर 1000 MCQs होंगे। ठीक है, इस बुक के अंदर पूरे सब्जेक्ट के 1000 MCQs होंगे, जो हर चैप्टर में इक्वली डिवाइड होंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो है इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस।
ये फ्री होगी, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की फ़ीस क्या है, कैसे ऐड होना है इन ग्रुप में। तो ये कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाए हैं हमने, जस्ट आपने क्या करना है, इन्हीं ग्रुप में ऐड होना है, इसी में आपको ये लैंग्वेज क्लास फ्री मिल जाएगी। लेक्चर भेजेंगे हम, उस लेक्चर को देना, हम आपको टेस्ट देंगे थोड़ी देर बाद, आप उस टेस्ट को देना, आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। बच्चे जो हैं नो डाउट अच्छी तरीके से टेस्ट दे रहे हैं, ग्रुप्स में ऐड होकर लेक्चर देख रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो। एक बात याद रखना, इसमें प्रेजेंटेशन भी होगी। प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, 5 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, सिर्फ उसी बच्चे की प्रेजेंटेशन होगी जो प्रेजेंटेशन देना चाहेगा, ठीक है। ये हर बच्चे के लिए नहीं है, जो देना चाहेगा उसी के लिए, क्योंकि हम ज़बरदस्ती आपकी प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। अच्छा, अब बातें सारी समझ में आ गई। फ़ीस कैसे पे करनी है मैं आखिर में बता देता हूँ, आपको तरीका पता है, आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हो। इजी पैसा नंबर स्टार्ट में आया होगा, आई होप अभी भी चल जाएगा, उसी पर 4,000 रुपये फ़ीस पे करना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, उसी नंबर पर, वही व्हाट्सएप नंबर है जो इजी पैसा नंबर आ रहा है, हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बात समझ आ रही है, फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तमाम चीज़ें भेज देंगे, क्योंकि अभी हम फुल एक्टिव हैं, सारी टीम एक्टिव है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरे साल के लिए है, याद रखना, ये महीने की फ़ीस नहीं है, ये पूरे साल की फ़ीस है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लेना, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ओरिएंटेशन सैटरडे आपके पास 29 जून 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, लाइव होगी जूम पर, इसका लिंक सिर्फ ग्रुप में होगा, हम यूट्यूब पर नहीं लेंगे, क्योंकि आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, इस क्लास में जो सवाल है डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर कुछ ना समझ में आया हो पूछ लेना। एक और आखिरी बात, फिर ग्रुप ख़त्म, फिर बात ख़त्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं, सर क्या 12th क्लास के ग्रुप और ये सेम होंगे? देखो ये सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर हम कोई डेरिवेशन नहीं कराएंगे। आपको MD कैड में, ई कैड में कोई डेरिवेशन नहीं करनी होती, आपने जस्ट न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, टॉपिक समझने होते हैं, डेरिवेशन नहीं आती पेपर में, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी अगर कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए या छोटा मोटा कोई प्रूफ आ जाए वो अलग है, लेकिन MCQs बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जो MD कैड या ई कैड का टेस्ट होता है, ये जस्ट MCQs होते हैं, जो कि आपने पूरे 3 साल 4 साल जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा होता है उसकी बिहाफ पर ये टेस्ट हो रहा होता है। तो ये जो क्लासें हम देंगे इसमें रिवीजन भी हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, सर 12th और MD के टिकट कैसे साथ करेंगे? कोई मसला नहीं है, देखो आपको इसको पूरा पूरा दिन नहीं देना, हम आपको 1 घंटे का लेक्चर देंगे। 1 घंटे का लेक्चर देखने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा। जस्ट आपने रात में मगरिब के बाद 2 घंटे देने हैं MD के टिकट को, साथ साथ सेकेंड ईयर की तैयारी करते रहो, कोई एक्स्ट्रा क्लासें नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि जो पीछे पड़ा है वो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर भी शामिल है, इसमें आपकी फर्स्ट ईयर भी शामिल है एंड सेकेंड ईयर भी शामिल है, ठीक है। तो सारे आपको डाउट जो पहले कभी नहीं सॉल्व हुए होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो मैंने जितना कर सकता था मैंने आपके लिए किया, अब इससे ज़्यादा मैं भी आगे नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अब हमने मज़ीद टाइम बढ़ाया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आखिरी पेपर भी है, सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, अब आप इसको आगे लेके चलो। अगर इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए तो आपका जो आगे का फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। कुछ ना समझ में आया हो ज़रूर पूछना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।